आखिर कब तक फर्जीवाड़ा करके अपना पेट भर सकते हैं? आखिर एक दिन खुलासा तो होगा ही। ऐसा ही एक फर्जीवाड़े का खुलासा एसआईटी जांच में हुआ है, जहां पर बीएड की फर्जी डिग्री वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मथुरा के यहां शिक्षक विभाग के एसआईटी की जांच के बाद सामने आए जिले के 60 फर्जी बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप पत्र भी संबंधित शिक्षकों को थमा दिए गए हैं। पिछले 3 साल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में एसआईटी की जांच के दौरान करीब 4700 ऐसे बीएड डिग्री धारक सामने आए थे जिनकी डिग्री फर्जी थी या फिर उनसे हेरा फेरी की गई थी। इस फर्जी बीएड डिग्री धारकों की सूची सीडी के रूप में 2 बार विभागीय माध्यम से जनपद स्तर पर पहुंचाई गई थी। इसमें से मथुरा जनपद में तैनाती पाए बीएड डिग्री धारक शिक्षकों का चयन करने के आदेश पर बीएसए को दिए गए थे। कई बार निदेशक बेसिक शिक्षा ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने और सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए थे। इस लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार मथुरा जनपद में चिन्हित किए गए 60 शिक्षकों को अब निलंबित किया गया है। इस आशय का आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर ने जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि अब निलंबन के साथ ही आरोप पत्र भी जारी कर दिए हैं। इनकी सुनवाई के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ये जनपद मथुरा में अभी तक जो हमारे पास सीडी आई थी एसआईटी की, वो 58 लोगों की थी, जो पहले चली आई थी, पहले भी कार्रवाई जो नोटिस जारी हुई 58 की हुई है। इस बार सीडी में 2 लोग और बढ़ गए हैं और उसका चिन्हांकन किया जा रहा है, और चिन्हांकन हो सकता है, संभवतः इसमें संख्या बढ़ भी सकती है। इस संबंध में ABSA साहबान को निर्देश दे दिए गए हैं और इनसे प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है। चूँकि ये काफ़ी पुराने टीचर्स हैं और इनमें से काफ़ी लोग बाहर जा चुके हैं और बाहर से काफ़ी लोग अंदर आ चुके हैं, तो इसलिए एक प्रदेश लेवल पे सारे BSS इस प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ से अंतर्जनपद ट्रांसफ़र जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो उनमें से एक दूसरे को सूचना की शेयरिंग कर ली जाए। और चूँकि सूचना से ये है कि हमारे यहाँ जो लोग गए हैं वो कार्रवाई उनको दूसरे स्टेट में जो नए ज़िले में गए हैं वहीं से होना है, तो चिन्हांकन वहीं हुआ क्योंकि वहाँ के सारे अभिलेख हमारे यहाँ से जा चुके हैं, और जो हमें अगर हम यहाँ ट्रेस करते तो सूचना हम संबंधित BSA साहब को कहेंगे जनपद के, और दूसरे जो वहाँ से जो सूचना है वो हमें मिलेगी। जैसे हमारे पास 2 सूचना और आई थी, एक संबंधित BSA साहब ने दी थी, उसको हमने जोड़ा है। इस आधार पर हमारी अभी संख्या में 60 है आसपास, हमारे पास पहले 58 थी और 2 हमारी संख्या बढ़ गई है। और इस पर हम लोग चूँकि अभी ये आ रहा था विभाग के निर्देश हैं हमारे कि इन पर कार्रवाई की जाए, और ये 4,500 के आसपास चिन्हित किए गए हैं पूरे प्रदेश में, तो हमारे यहाँ से 60 संख्या आ रही है, और इस पर हमें लीगल एक कार्रवाई जो होती है, विधिक कार्रवाई होती है, उनके पक्षों को सुनना, अगर हो सकता है उनमें कोई निर्दोष हो तो उनको हम लोग उनको भी हम लोग शिष्य देखेंगे, और विभागीय कार्रवाई करने त्रिस्तरीय की कमेटी जांच करा ली गई है, जाँच करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं, आरोप पत्र भी तामील कराया जा रहा है। इस आधार पर उनको हम पर्याप्त समय देते हुए और उनके पक्ष को सुनते हुए कार्रवाई करेंगे। हम ये आपके जो बीएड से टेम्परिंग के आधार पे और फेक सर्टिफिकेट के आधार पे है, क्योंकि अभी इसमें मामला काफ़ी गहन है, उस पर कहना सही नहीं होगा अभी तक, उस पर अभी जांच चल रही है, उस पर अथेंटिसिटी अभी आनी है, और साथ साथ अभी जो चल रही शासन भी इस पर गंभीर है कि पूरे तथ्यों पे देखा जाए और उस पर रिपोर्ट एक BSS को उपलब्ध कराई जाए। तो अभी तक जो हमारे पास डाटा अभी आ रहा है वो हमारे CD पे आता है, और CD से भी हम मांग भी कर रहे हैं, CD पे नाम और फेक आ रहे हैं, क्योंकि SIT जांच करती काफ़ी गहन जांच करती है, और जो कार्रवाई की गई काफ़ी गहन की गई है, और कोर्ट में भी मामला है। सुनील कुमार वाले मामले में SIT ने अपना पक्ष भी रखा है, तो उस आधार को भी उन्होंने संज्ञान में लिया है, क्योंकि अभी जाँच के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि इनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए, तो इसमें सारी चीज़ को सारे बिंदु को जाँच पर देखते हुए कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।